आर्थराइटिस नी, घुटने की गठिया। घुटने की गठिया या आर्थराइटिस नी एक ऐसा रोग है जिसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, या फिर उम्र के साथ होने वाली एक नेचुरल सी चीज कह सकते हैं। लेकिन यह मरीज को एक तरीके से अपंग भी बना सकती है, जहां अगर मरीज चल ना पाए तो उसको गंभीर रोग भी हो जाते हैं। लेकिन स्टेम सेल थेरेपी ने ऐसे मरीजों को एक नया जीवन दान भी दिया है। आइए देखें। नी आर्थराइटिस या घुटने की गठिया एक आम रोग है और लोग अक्सर इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मिनटों में इसके बारे में संक्षेप में बताऊंगा कि गठिया से ग्रस्त घुटना मूल रूप से घुटने के ज्वाइंट में होने वाली विकृति या क्षय है, जिसके चलते शुरुआत में केवल हल्का दर्द और कड़ापन महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे चलने पर यह दर्द बढ़ सकता है और जोड़ में सूजन आ जाती है या आ सकती है। गठिया सबसे आम ऑर्थोपेडिक समस्याओं में से एक है और विश्व स्तर पर लगभग 38 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं। भारत में लगभग 30% बुजुर्ग यानी कि 50 से अधिक वर्ष के लोग जो है इस घुटने की आर्थराइटिस से पीड़ित हैं, और इसमें ये समस्या ज़्यादातर महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है पुरुषों से, और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये शुरू होती है। लेकिन यह ओबीस पेशेंट या जो मोटे व्यक्ति हैं और जो डायबिटीज के रोगी हैं उनमें ज़्यादा पाई, और अगर चोट भी बार बार लगती है, जैसे कि खिलाड़ियों में कई बार बहुत चोट लगती है, तो उनमें भी आर्थराइटिस के चांसेस, नी आर्थराइटिस के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। इस आर्थराइटिस को रोकने के लिए नॉर्मली आदमी को नियमित व्यायाम करना चाहिए, खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए, और इसके अतिरिक्त जोड़ की आसपास की जो मांसपेशी हैं उनको मजबूत रखना चाहिए। नी आर्थराइटिस शुरुआती दौर में है तो दर्दनाशक दवाएं, एनाल्जेसिक्स, फिजियोथेरेपी द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर ये आगे बढ़ती है समस्या और इसका असर जो है आपकी डे टू डे एक्टिविटी पर पड़ रहा है, आप अपना काम बराबर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप स्टेम सेल थेरेपी का प्रयोग करें, जो कि बहुत एक इनोवेटिव टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है, जहां पर आपको सिर्फ एक इंजेक्शन की मदद से आपके नी का पेन जा सकता है और काफ़ी बेहतर आपका नी का मूवमेंट हो सकता है। घुटने की आर्थराइटिस एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और आप देख सकते हैं कि लगभग हर 5 में से एक व्यक्ति इससे पीड़ित है। ये वह रोग है जो अगर बढ़ जाए तो आपकी जीवन शैली और आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा असर कर सकता है, इसलिए ऐसे रोगियों में बड़ी सर्जरी से बचने के लिए मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप स्टेम सेल थेरेपी का प्रयोग करें और शुरुआती दौर में ही करें, क्योंकि स्टेम सेल थेरेपी के अच्छे रिजल्ट स्टेज 1, स्टेज 2 और अर्ली स्टेज 3 तक ही मिलते हैं आर्थराइटिस में, यानी कि आप बीमारी के आधा आगे आने तक भी अगर अपना इलाज कराएंगे तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। और मैं कहता हूँ कि इसमें 80% से ज़्यादा मरीज सक्सेसफुल हो रहे हैं और उनकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो रही है, और स्पेशली वो मरीज जो फैट सेल ट्रांसप्लांट ले रहे हैं। बैठ ओ फैट सेल ट्रांसप्लांट से पहले दिया है, उससे आपको जो आर्थराइटिस की वजह से घुटने में दर्द था वो कुछ कम हुआ है? वो तो फर्क हुआ, थोड़ा फर्क है। 4 आने 8 आने कितना थोड़ा फर्क, नहीं तो ऐसा खड़ा रहेगा ना, पैसा खुला लगेगा। अच्छा, अब ऐसा बाथरूम बाथरूम जाएगा तो ऐसा छोटा जैसे लगा, अभी थोड़ा फर्क ऐसा लगता है इसमें मेरे राइट साइड में जिसमें ज़्यादा तक। हाँ, इसमें और सूजन भी दर्द नहीं है पहले तो था। ठीक है, वेरी करूँगा। ठीक है, अभी ये फर्स्ट असेसमेंट है हमका, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है जी, और आपको एग्जामिनेशन के बाद पाया गया था कि राइट साइड में ग्रेड 3+ है
जी, और लेफ्ट साइड में ग्रेड 2 प्लस है आर्थराइटिस जी, जिसको हम लोगों ने लगभग 9-10 महीने पहले इवेल्यूएट किया था। बिल्कुल। और चूंकि आप नी रिप्लेसमेंट के लिए राजी नहीं थे जी, इसलिए हम लोगों ने ऑटोनोमस फैट डराइव स्ट्रोमल वेस्कुलर सेल फ्रैक्शन ट्रांसप्लांट किया। राइट लेग में लिम्प था और पेन था एंड डिफॉर्मिटी वॉज विजिबल, पूरी डिफॉर्मिटी वॉज थोड़ी विजिबल दिखती थी। आफ्टर द प्रोसीजर द पेन इज टोटली गॉन, आई डोंट हैव पेन, इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग इज ऑल्सो रिड्यूस्ड एंड डिफॉर्मिटी इज ऑल्सो टू अ ग्रेटर एक्सटेंट कंट्रोल्ड, नॉट नो डिफॉर्मिटी इज देयर।